नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। छतबीर जू में दिखाई देंगे जुरासिक पार्क वाले डायनासोर और बताया जाएगा उनका इतिहास। पीके अग्रवाल बने हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख, कहा भ्रष्टाचार पर रहेगी नजर। और सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव का हुआ 56 मिष्ठानों से सिंगार। और अब खबरें विस्तार से। जीरकपुर के नजदीक छतबीड़ जू में अब टूरिस्ट को डायनासोर के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। शनिवार को डायनासोर पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इसको बनाने में करीब 2 साल का समय लगा है। आपको बता दें कि इस डायनासोर पार्क को जू के अंदर 2.5 एकड़ एरिया में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। जीरकपुर के नजदीक छतबीर जू में अब टूरिस्ट को डायनासोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। शनिवार को डायनासोर पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इसको बनाने के लिए करीब 2 साल का समय लगा है। इस पार्क की शुरुआत शनिवार को पार्क का वर्चुअल उद्घाटन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस डायनासोर पार्क में जू के अंदर 2.5 एकड़ एरिया में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से इस डायनासोर पार्क को बनाया गया है। इसे खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस दौरान आप पार्क में घूमते फिरते हुए डायनासोर देख सकते हैं, मानो जैसे हम उनके बीच आ गए हैं। डायनासोर के ये मॉडल रोबोटिक है। लुप्त हो चुके डायनासोर को जिंदा देखना तो शायद मुश्किल है, लेकिन डायनासोर के इन मॉडल्स को देखकर आप जरूर एक बार फिर डायनासोर के युग में पहुंच जाएंगे। ये जो पार्क है ये छतबीर जू के अंदर है, छतबीर जू के कंपाउंड के अंदर है। और इस पार्क को हमने छतबीर के नाम से ही रखा है, जो कि है छतबीर डायनासोर पार्क। जी, क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत यह है कि जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री से एग्जिट तक आपको पूरा डायनासोर फील मिलेगा। इसमें एक थीम हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे अलग अलग 5 जोन बनाए हैं हमने। तो हर एक जोन में आपको इंटरैक्टिव डायनासोर्स मिलेंगे। इंटरैक्टिव डायनासोर्स इन द सेंस कि सारे डायनासोर्स आपके गेस्ट्स या जो भी पेटर्न्स हमारे आएंगे उनके साथ ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे। इनमें जैसे हमने पहला जो जोन है इसमें एक हम वेलकम के लिए एक टॉकिंग ट्री रखा हुआ है, जो कि हमारे गेस्ट्स को हिंदी और पंजाबी में वेलकम करते हैं। उसके बाद हमने एक्सकवेशन साइट्स रखे हुए हैं, जैसे कि डायनासोर के अंडे हैं, डायनासोर के स्केलेटन है, ये एक जोन बनाया है। फिर दूसरा जोन जो है वो हमारा मेज वर्क एक हमने बनाया है, जो कि भूल भुलैया आप बोल सकते हैं उसको, एक भूल भुलैया है। उसके बाद एक ब्रेकआउट एरिया है जहाँ पे गेस्ट हमारे वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैठ सकते हैं। एक सेल्फी बूथ हमने बनाया हुआ है, वो है। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे जोन्स हैं जिसमें अलग अलग डायनासोर्स हमने रखे हुए हैं। मैं सिर्फ पंजाब के ही नहीं, मैं पूरे देश के जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने कंपनी इनोवेटिव व्यू से और छतबीर जू के अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आप प्लीज़ एक बार यहाँ पे आए और इस डायनासोर पार्क का पूरा मज़ा और आनंद ले अपने बच्चों के साथ और अपने फैमिली के साथ। सर, ओपनिंग टाइमिंग क्या है? ओपनिंग टाइमिंग ये सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, टिकट काउंटर ओपन हो जाते हैं और ऑलमोस्ट लाइक 4 बजे तक ये ओपन रहता है। सर, कंपनी के और कोई प्रोजेक्ट भी कमिंग प्रोजेक्ट? जी हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम थीम पार्क के ऊपर बनाते हैं, डिजिटल गैलरीज बनाते हैं और काफ़ी सारे लाइट एंड साउंड शोज भी करते हैं। तो इट्स टोटली इनटू टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनी। सर, ओनली आप चिड़ियाघर वगैरह ही चूज करते हैं प्लेस या कुछ और स्कूल्स ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पिक एंड चूज करते हैं कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट हो, राइट? क्योंकि हर एक एरिया में आप डायनासोर पार्क नहीं बना सकते हैं या आप डिजिटल गैलरीज नहीं बना सकते, तो हम वैसे ही लोकेशंस को पिक एंड चूज करते हैं जो हमें सुइटेबल हो।
आपको बता दें कि इस दौरान डायनासोर पार्क के एंट्री गेट पर एक टॉकिंग ट्री लगाया हुआ है जिसमें सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही विजिटर इसके पास पहुंचते हैं इसमें से आवाज आती है, छतबीड़ जू के डायनासोर पार्क में आपका स्वागत है। यहां कई तरह के रंगीन लाइटों से गुफाएं सजाई हुई हैं, तो वहीं रोबोटिक डायनासोर भी अंदर मुख्य आकर्षण है। डायनासोर के इन मॉडल्स में ऑफोसोरस, पिटेरा नोडोन, टायरेनोसोरस रेक्स प्रजाति के डायनासोर शामिल किए गए हैं। ये पंजाब का दूसरा डायनासोर पार्क है। इससे पहले कपूरथला के पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में डायनासोर पार्क बनाया गया है। पंजाब के सीटीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख पीके अग्रवाल ने सोमवार को पंचकुला पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का नेतृत्व करना उनके लिए गौरव की बात है। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का, हरियाणा सरकार का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी है। हरियाणा पुलिस का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है और जब से हरियाणा में पिछले करीब 30 से ज़्यादा वर्षों तक मैंने सेवा किया है, हरियाणा पुलिस ने अनेकों चुनौतियों का डटकर सामना किया है, सफलता प्राप्त की है और एक ऐसे गौरवशाली पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए मुझे बहुत गौरव का, बहुत गर्व का एहसास हो रहा। मेरे सभी साथी अधिकारीगण, पुलिस के जवान, सभी पुलिसकर्मी और आप सबके सहयोग से हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम हरियाणा राज्य के नागरिकों के आकांक्षाओं आशाओं के अनुरूप काम कर सकें और पुलिस को एक अच्छी छवि, एक ऐसा पुलिस बल जो आम नागरिक का साथी हो उसे बनाने में हम सहायक सिद्ध हो सकें। देखिए, जो मूल प्राथमिकताएं पुलिस बल की हैं वो तो निरंतर करीब करीब वही रही हैं, समाज में कानून व्यवस्था का बना रहना, अपराध का रोकथाम, अमन चैन, गरीब और मजलूम के दुख दर्द में उसे ठीक प्रकार से सुनवाई करके उसका निदान करना, जो कमज़ोर तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान रखना, ये तो जो मूल जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रायोरिटीज़ है वो तो पुलिस बल की है ही हैं। इसके अलावे जो समय समय पर चुनौतियां आती हैं उसके आधार पर प्राथमिकताओं की समीक्षा करके उसका हम निर्धारण करते हैं। जैसे साइबर क्राइम है, नार्को टेररिज्म है, ड्रग प्रॉब्लम है। अब मैंने अभी चार्ज लिया है, साथी अधिकारीगण से सबसे विचार विमर्श करके जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पे और जो कुछ आगे हम प्लानिंग करनी है हमें, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं भविष्य को भी दिशा देने का जो है एक हमारी भूमिका रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में निर्धारण करके समय समय पर इसका विश्लेषण करके इसे निर्धारित करेंगे। देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना, आवाज़ उठाना, ये सबके लिए है, किंतु जो विरोध का स्वरूप है वो शांतिपूर्वक हो, कानून सम्मत हो, कानून के दायरे में रहे। पुलिस बल तो एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून के निर्धारण
कानून के पालन में लगी रहती है। तो मेरा तो यही अपील रहेगा किसान भाइयों से भी कि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के करें। सेक्टर 26 बापूधाम पुलिस पोस्ट को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब उन्होंने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसे मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 26 बापूधाम पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब नाके के दौरान एक युवक को एक्टिवा पर रोका गया और पूछताछ में एक्टिवा चोरी की पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में आरोपी से पूछताछ कर 4 और एक्टिवा और एक फोन आरोपी के कब्जे से बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान मोली जागरा के सुमित उर्फ गोलू के रूप में हुई है। वही सेक्टर 26 बापूधाम चौकी इंचार्ज रोहताश यादव ने बताया कि बापूधाम में नाके के दौरान एक युवक को रोक कर जब युवक से वाहन के दस्तावेज गए तो युवक के पास वाहन का कोई भी दस्तावेज नहीं था। वहीं जब पुलिस ने वाहन की जांच की तो पाया कि एक्टिवा चोरी की है। वहीं आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी के कब्जे से 4 चोरी की एक्टिवा और एक चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPS 411 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। से एक दिन पहले 14 अगस्त को हमने नाका लगाया था हमारी पुलिस टीम के साथ, तो उसमें नाके पे एक एक्टिवा पकड़ी थी। उस एक्टिवा के बारे में उस जो शख्स चला रहा था उसको पूछताछ की थी, तो वो अपने एक्टिवा के बारे में नहीं बता सका कि एक्टिवा किसके नाम से, इसका ओनर कौन है, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। लेकिन जब वेरीफाई किया तो पता लगा कि ये एक्टिवा है मनी माजरा थाना एरिया से चोरी की हुई थी और पिछले साल अक्टूबर महीने में इसके FIR रजिस्टर्ड है। तो सर इससे और भी कुछ बरामद हुए? इससे टोटल 4 एक्टिवा जो हैं चोरी की बरामद हुई हैं, जिनमें से 2 इंडस्ट्रियल एरिया थाने से चोरी की हुई हैं, 1 पंचकुला सेक्टर 14 से चोरी की हुई है और 1 यही जो इससे मिली थी उसी से। सर कारण पता चला है क्यों चोरी करता था? ये नशे का आदि है और इस पर एक NDPS का केस पंचकुला पुलिस ने पहले भी रजिस्टर किया हुआ है, तो अपने नशे की पूर्ति के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करता था। लेकिन इसने जो एक्टिवा चोरी की है इसको, ये इतना बड़ा चोर नहीं था, इसके बेचने की हिम्मत नहीं, ये एक्टिवा चोरी करके इनको चला के साइड में खड़ी करवा। पहले भी सर कोई आपराधिक मामले दर्ज है इसके? इस पर पंचकुला में एक NDPS का केस रजिस्टर। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की पहचान मोली जागरा के रहने वाले सुमित उर्फ गोलू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक सुमित पर पहले भी NDPS एक्ट के मामले दर्ज हैं और वह नशे का आदी है। इसी नशे के चलते वह वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। बहरहाल आरोपी युवक को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और रिमांड के दौरान पुलिस ने अब तक 4 एक्टिवा और एक मोबाइल फोन आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस द्वारा चंडीगढ़ पंचकुला में हुई चोरी की 4 वारदातों को भी सुलझा लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आए दिन हो रही रिक्शा चोरी की वारदातों को थाना मलोया पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने पकड़े गए 2 आरोपियों की पहचान जलालाबाद के दीप सिंह उर्फ दीप उर्फ फिलोर के निवासी जिंदर के रूप में की है। सभी आरोपी 6 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। मलोया थाना के आरोपियों के कब्जे से 14 ई रिक्शा बरामद हुई हैं। सभी से गहनता से पूछताछ की रही है पुलिस। अभी और वाहन मिलने की भी बात कह रही है। वहीं इनसे पकड़े जाने के बाद चंडीगढ़ के 12 चोरी के मामलों को सुलझा लिया गया है। SP City केसन बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आए दिन हो रही ई रिक्शा चोरी की वारदातों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मलोया थाना पुलिस ने चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 आरोपियों की पहचान जलालाबाद दीप सिंह उर्फ दीप और फिलोर निवासी जिंदर के रूप में हुई है। सभी आरोपी 6 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। मलोया थाना ने आरोपियों के कब्जे से 14 ई रिक्शा बरामद कर लिए हैं। सभी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अभी और वाहन मिलने की भी बात कही है। पुलिस की ओर से इन आरोपियों के पकड़े जाने से चंडीगढ़ के 12 मामलों को सुलझाने का भी दावा कर रही है।
वहीं मामले को लेकर एसपी सिटी केतन बंसल ने बताया कि लुधियाना से दो लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है। उनके कब्जे से 14 ई रिक्शा बरामद हुए हैं। चंडीगढ़ में से कुछ टाइम से ई रिक्शा की चोरी हो रही थी और इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी डीएसपी साहब श्री देवेंद्र शर्मा जी की सुपरविजन में यहाँ के एसएचओ प्रकाश जी ने एक बढ़िया अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल करा है। हमने दो बंदे अरेस्ट करे हैं, लुधियाना से लेके आए हैं। दीप सिंह है और लैस दीप और जिंदर है, इन दोनों को लुधियाना से गिरफ्तार करा है हमने। इनसे हमें 14 ई रिक्शास मिली हैं और इनमें से 12 मुकदमे हमारे वर्कआउट हो गए हैं। इसमें हमारे पीएस मलोवा, पीएस तारा 19, 26 मनी माजरा, सारंगपुर, मौली, जागरा सब थानों के, और हमारी कुछ करीब 30-32 हैं टोटल इस ईयर की जो ई रिक्शा की थेफ्ट हैं। तो हमें उम्मीद है कि अभी थोड़ा इंटेरोगेशन से और भी इसमें से रिकवर हो जाएंगी। और जो इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले भी ये जेल में रह चुके हैं इसी ऑटो थेफ्ट केसेस में। तो पहले अम्बाला जेल में रहे थे, अभी लुधियाना में गिरफ्तार करे थे, तो पहले भी इनके ऊपर मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस दर्ज हैं इनके ऊपर। इनके ये टोटल 4 लोग हैं, अभी 2 हमने अरेस्ट करनी है, दीप सिंह और जिंदर। 2 और हैं इसमें, धीरज और सोनू। तो इसमें ये 3 लोग हैं, ये आपके यहाँ पे रेकी वगैरह करते थे चंडीगढ़ एरिया में। जैसे इनको पता चलता था कि कोई ई रिक्शा वगैरह खड़ी है तो ये अपने साथी दीप सिंह को बुलाते थे। दीप सिंह मेन इनका किंग पिन है जो पूरा प्लान करते थे। तो यहाँ पे ये आके अपना ई रिक्शा चोरी करके चला के लेके जाते थे वहाँ तक, लुधियाना तक बकायदा। तो वहाँ पे इन्होंने दुकान खोली हुई है, तो वहाँ पे ये सेल वगैरह परचेज वो करते हैं, 20-25 हज़ार में बेच देते थे वहाँ पे किसी को। बहरहाल दोनों आरोपियों से अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और कई ऐसे मामले सुलझाने का भी पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है। पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों से 6 दिन तक पूछताछ करेगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपियों से और कितने मामलों में खुलासा करती है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। गौरीशंकर सेवा दल सेक्टर 45 में सावन के चौथे सोमवार को देवों के देव महादेव भगवान शिव को 56 तरह के मिष्ठानों से सजाया संवारा गया। उनका श्रृंगार किया गया, पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद 56 तरह के मिष्ठान लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिए गए। इससे पहले वहां सुबह सवेरे खीर और मालपुओं का लंगर भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आकर भगवान शिव की आराधना की और लंगर का आनंद लिया। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 11 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं, जिनमें से चंडीगढ़ में 2, पंचकुला में 2 और मोहाली में 7 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि किसी के भी कोरोना से मौत की सूचना नहीं थी। आपको बता दें कि अब तक ट्राई सिटी में 2,244 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपसे भी वही निवेदन है कि वैक्सीनेशन लगवाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि बचाव ही आपको और आपके और मौसम। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 84%। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी रात में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन दिन में इसी तरह धूप खिली रहेगी और उमस जारी रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और समाचारों, सूचनाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।